श्रीमद् भागवत बड़ा विशद बृहद ग्रंथ है। भगवान के कला अवतार भगवान वेदव्यास जी के द्वारा रचित लिखित, जहां पे उनकी तूलिका आकर फिर विश्राम कर गई, जिसको पुराण अर्क कहा जाता है, पुराण सूर्य और पुराण दीप भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत इस बात का प्रतिपादन करती है और घोषणा करती है कि बहुत से शास्त्रों, पुराणों और ग्रंथों को पढ़ने से क्या लाभ, सुनने से क्या लाभ। भागवत जी में तो लिखा है कि ये भ्रम पैदा करते हैं, और ज्यादा पढ़ गए, ज्यादा सुन गए तो भ्रमित और हो जाओगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है कि अगर पुनर्जन्म होता है और ईश्वर होता है, मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इतनी बुद्धि मत देना। जिस आइंस्टाइन को बड़ा बुद्धिमान जानते हो, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण में यही प्रार्थना की कि दोबारा इतनी बुद्धि मत देना, मैं उलझ गया। और आज तो समाज में बस एक ही बात व्याप्त है, सबको बुद्धिमान होना है। बात बात पे अहंकार सहित लोग ये कहते हैं, हम कहते हैं कि हम आपसे कम बुद्धिमान हैं क्या, यही तो ज्यादा तकलीफ है कि आप बुद्धिमान हो, न होते तो बात बन जाती। विवेक के अभाव में बुद्धि विनाशकारी है प्रायः 99%, और विवेक हरि कथा, गुरु कथा और साधन संपन्न हुए बिना कभी मिलता नहीं। राम की कृपा बुद्धि क्या करती है, बुद्धि इन शास्त्रों को भी अपने विनाशकारी विध्वंसक वृत्तियों के पोषण के लिए ढाल बनाती है। इसलिए अपात्र के मुख से तो शास्त्र भी श्रवण वर्जित है। ये मनुष्य जीवन एक अवसर है, जस्ट लाइक अ प्रपोजल। तुमको किसी ने एक गुलाब का फूल देकर प्रपोज किया है, डू यू लव मी। अब ये तुम पर निर्भर है कि इस अवसर का लाभ तुम उठाते हो, इसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं, क्योंकि यही मनुष्य की जिंदगी बहुतों के लिए दुभर हो गई है। पागलपन, टेंशन, डिप्रेशन, आत्महत्या, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। पर हमने तो सुना है ये बड़ा दुर्लभ शरीर है। मनुष्य का शरीर वो है जहां तुम आकर अपनी यात्रा को विश्राम दे सकते हो, बाकी सब योनियों में यात्रा विश्राम नहीं होगी, यात्रा करनी पड़ेगी, तुम बाध्य हो करने के लिए। पर ये एक ऐसा प्रपोजल तुमको परमात्मा ने दिया है कि तुम चाहो तो यहां पर परम विश्राम पा सकते हो। इसको विश्राम का अर्थ रुकना नहीं होता, पायो परम विश्राम। अब उनकी मर्जी से, वो जब कहें तो आ जाओ, मध्य प्रदेश में कहें तो मध्य प्रदेश में आ जाओ, स्वीडन में कहें तो स्वीडन में आ जाओ, चाइना में इच्छा हो तो चाइना में आ जाओ, चाइना नास्तिक कंट्री है, पर वहां भी हजारों की संख्या में श्री कृष्ण भक्त हैं। सब कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे, रशिया में तो लाखों हो गए, सड़कों पे उतरते हैं, एवरीवेयर।